बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकम। मैं अभी देख रहा था ये वीडियो के ये रोड के ऊपर क्या आ गया है। अक्सर गुब्बार उड़ते हैं जी, आपने दूर देखा होगा। मैंने रियाद में बहुत देखे हैं, मक्का में बहुत देखे हैं, जद्दा में कम होते हैं। तो वैसे रियाज एंड बरीदा नेज़ा एंड हाइल मदीना आप चले जाएँ तो ये यम्बो वाली साइड के ऊपर, तो इन एरियाज़ में बहुत होते हैं जी। और अक्सर ऐसा होता है कि आप यकीन करें, गाड़ियों के चारे इशारे लगाकर चलना पड़ता है। लेकिन ये जो वीडियो सामने आई, ये जो चीज़ सामने, मैं ये देख कर रहा हूँ कि आपको पता है मदीना शरीफ और मक्का अल मुकरमा में कल से बारिशों का सिलसिला, यानी कि रात को कुछ ज़ायद हुई हैं जी। यहाँ पर आपको मैं एक आध इनकी वीडियो साथ में दिखा रहा हूँ। मदीना में तो माशाल्लाह अंडरपास जो होते हैं वो बंद बोल रहे हैं आप, यही कंडीशन हो चुकी है और बारिशों का सिलसिला देख रहे हैं। जबल अहद की मैंने एक वीडियो देखी थी, माशाल्लाह ऊपर से पानी ऐसे गिर रहा जैसे फुहारे चल रहे हैं। तो ये तो एक अच्छा अमल है जी, अच्छे अमल से मुराद ये कि अल्हम्दुलिल्लाह बारिश रहमत है अल्लाह ताला की। तो मक्का मुकरमा में भी रात से काफ़ी बारिश हुई, उसके मतलब भी शायद आपको एक अदमा वीडियो दिखा रहा हूँ मैं। अभी जो मैं क्लिप आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ना, वो ये है जी, जो मैं अभी आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये क्लिप सामने आया जी जद्दा से। जैसा कि मक्का एंड मदीना में बारिशें हो रही, जद्दा में तूफान है, जनूब जद्दा की बात कर रहा हूँ मैं। बहुत से भाई मुझे कमेंट करते भाई, जिस इलाके में हम हैं वहाँ पर बनी मालिक में बारिश नहीं होती थी, हम लोग ये बोलते होते थे ये अजाब टाउन है, यहाँ पर बारिश होती नहीं है। तो ये जनूब जद्दा की बात कर रहा हूँ मैं, उन इलाकों की, यानी कि वहाँ पर ये जनूब में तूफान आया, साथ में हल्की फुल्की बारिश भी हुई है। वहाँ पर रोड के ऊपर ये पड़ी हुई थी, बरमील पड़ा हुआ है रोड के ऊपर। अच्छा, ये मेन शहर है जी, इसके दरमियान में बरमील रखे नहीं जाते हैं, ये बरमील कहीं साइड से उड़ कर आग गिरा है, को तूफान की शिद्दत इतनी ज़्यादा सी। तो ये आप देख सकते हैं। तो मैंने बोला एक वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर करता चलूँ कि जद्दा में भी रहमत बरस जाए तो अच्छी बात है यार, बारिश पड़ जाए, जद्दा का मौसम भी तो थोड़ा खुशगवार हो जाएगा। बहरहाल आप किस इलाके में बैठे हुए हैं, वहाँ की क्या कंडीशन है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।